टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में तेलंगाना में जारी लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है और इलाके में गाड़ियों की तनखी का अमल जारी है और इस दौरान सफर करते वक्त मास्क ना लगाने वाले अफराद और बाइक पर डबल व ट्रिपल राइडिंग करने पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं और गाड़ियों को जब्त किया जा रहा। टप्पा चबूतरा इलाके में ड्यूटी पर तैनात पुलिस अमले ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए इस जमन में मजीद तफसीलात बताई। तो ये COVID-19 के बारे में जो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो रहा ये वजह से रोज रेगुलर व्हीकल चेकिंग चल रहा है इधर। वो पब्लिक को एक ही रिक्वेस्ट है वो मास्क बगैर मास्क बाहर ना निकलना। आईसीसी जो लॉकडाउन का इंस्ट्रक्शंस है वो इम्प्लीमेंट करना स्ट्रिक्ट आईसीसी करना क्यूबोले। तो रोज ये कोविड केसेस में भी कोरोना वायरस केसेस में भी आप देख ले रहे रिपोर्टिंग बड़ा ज़्यादा हो रहा। इसका वास्ते और अपना सब मिलके ये कंटिन्यू करना है। ये लॉकडाउन का जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स दिए सो है वो बराबर इम्प्लीमेंट करना। सबको हमारा पुलिस तपदपुत्र पुलिस से रिक्वेस्ट है गुजारिश कर रहा हूँ ये विदाउट मास्क नया ना ऐसा गाड़ी में भी दो जने बैठ के नहीं फिरना। जो इंस्ट्रक्शंस है आपको सबको मालूम है 2 महीना हो रहा अभी वो सेम रूल्स फॉलो करना बोल के हमारा रिक्वेस्ट है। विदाउट मास्क का क्या चल रहा है, मास्क का क्या वो आप सबको मालूम है गवर्नमेंट ऑलरेडी आर्डर दिए 51 क्लास बी वो वजह से 1000 रुपये फाइन भरना पड़ता। इसका वास्ते गवर्नमेंट ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए सो है 1000 रुपीस विदाउट मास्क आया तो रोड पे आया तो 1000 रुपीस फाइन है। डबल राइडिंग है क्या जो घर से निकलते हैं डबल राइडिंग बाइक में दो जन नया ना वो भी 3 किलोमीटर का रेडियस में कुछ काम एसेंशियल का काम है तो मेडिकल और सब्जी तरकारी लेने के लिए और रेशन के लिए जो काम है एसेंशियल का बारे में आप 3 किलोमीटर रेडियस में जाना एक ही जाना सिंगल पर्सन जाना।